सो बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:49 और मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए। तो मेरा दोस्त आएगा बस स्टैंड और फिर हम निकलेंगे बाइक से। एक्चुअली आज है मेरा पहला एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का, फाइनल सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम। शीशिर को बोल दिया था वो बस स्टैंड छोड़ दिया है, फिर आएगा मेरा दोस्त और फिर निकलते हैं हम लोग कॉलेज के। पहुँच चुके हैं नदी, करते हैं स्विमिंग। ऑलरेडी कुछ लोग हैं, मैं पीयूष पहुँच चुके हैं और एल्स आ ही रहे होंगे, फिर करेंगे स्विमिंग के मज़े। भैंसिया भी है, भैंसिया इन द ब्लॉग, चलते हैं फटाफट। आज मैं गया नहीं हॉस्पिटल क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसके कारण हम जल्दी निकल रहे हैं स्विमिंग पूल से, चलते हैं फटाफट घर क्योंकि मौसम काफ़ी बेकार हो चुका है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बारिश भी लगने वाली है इसीलिए चलते हैं। देख सकते हो मौसम काफ़ी बेकार हो चुका है, तहस नहस हो चुका है लगता है ऐसा, देख रहे हो ये बस है। इतना बेकार मौसम हो चुका है आज, क्या ही कह सकते हैं। निकलते हैं फटाफट, बिजली बिजली कड़क रही है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है एक्चुअली, लिटरली सही में इतना खतरनाक, पूरा डस्ट डूस्ट उड़ रहा पूरा एरिया, और एक का तो झोपड़ी उड़ गई बेचारे की, बेचारा टॉमी। भाई कहाँ जा रहा, कहाँ, ये तो गली पड़ रही है, देख सकते हो मौसम। आगे हम लोग बस स्टैंड, इसको क्या हो गया, मेरे पीछे पड़ा है, कहाँ गई, वो लोग चले गए, चलते उनके पीछे पीछे पकड़ते हैं उनको। देख सकते हो मौसम कितना बेकार हो चुका है और लोग चंद्रपुर जाने के लिए कितने बेताब हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, देख रहे हो बिजली तो चमक रही है बिजली, बस स्टैंड में काफ़ी भीड़ लेकिन आज देख सकते हो पेड़ कितने भयानक लाइट जला रहे हैं। ओए होए होए होए, घर आने के बाद फिर किए हम लोग ने पार्टी, देन उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, स्टे पेस्ट हेल्दी, मिलते हैं न्यू डे विद न्यू ब्लॉग, टिल देन बाय बाय।